What is up everyone, this is Sandeep Joshi, welcome back to my YouTube channel. You guys doing absolutely fine. तो हम आ चुके हैं वापस से शांति कुंज के आगे. तो इन केस अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ, जो पिछली बार की जो वीडियो थी मैंने एंड कर दी थी शांति कुंज में, क्योंकि बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेच हो जाती है वो वीडियो, तो उसको थोड़ा शॉर्ट करने के लिए मैंने कर दिया था वीडियो को वहीं पे एंड. एंड आज हम कंटिन्यू करने वाले हैं अपनी जर्नी को टू द हर की पौड़ी. एंड वहाँ पे आज हम देखेंगे हरिद्वार की रात की जो आरती होती है, आरती मतलब बहुत ही सुंदर होती है, मैंने कभी नहीं देखी है ज़िंदगी में, तो आज मैं उस चीज़ को एक्सपीरियंस करने वाला हूँ. तो मेक श्योर कि आप अभी सब्सक्राइब कर दो तो आगे वाली वीडियो जो आप मिस नहीं करोगे. हमारा उत्तराखंड जो है उसे बोलते हैं देवभूमि, और देवभूमि का ही पार्ट है हरिद्वार. अब हरिद्वार जैसे कि नाम से ही सजेस्ट कर रहा है, हरि का द्वार यानी भगवान के द्वार, जो हाँ हम आज जा रहे हैं उसे बोलते हैं हर की पैड़ी. तो चलिए शुरू करते हैं. हर की पौड़ी तो यहाँ भैया है पार्किंग हमारी, तो भैया जी ये लग गई हमारी पार्किंग. तो भैया हम पहुँच चुके हैं पार्किंग के बाहर और यहाँ से अब निकलते हैं हर की पौड़ी की तरफ. बाकी यहाँ पे लोग बहुत सारे दिखाई दे रहे हैं मुझे फिलहाल. तो हम अंदर एंटर कर चुके हैं और ये इतना सुंदर लग रहा है इस टाइम यहाँ पे, क्योंकि ना सन की ना रिफ्लेक्शन पड़ रहा है मतलब ना, तो ये बहुत ज्यादा चमक रहा है. अभी तक जितना भी देखा तो काफी सुंदर लग रहा है, और ये पेंट वगैरह शायद मेरे ख्याल से रिसेंटली हुआ है कुंभ के लिए स्पेशली. बाकी देखते हैं आगे चलते हैं. ओके और जो पानी है ना बहुत ही ज़्यादा नीला लग रहा है और इतना सुंदर लग रहा है ना बहते हुए. भाई भाई ये कहाँ जा रहा पर. तो भाई जो शक्ल बनाई ना भाई ने तो उसे देख के मुझे लग रहा है कि पानी बहुत ज़्यादा ठंडा है, ये लगता ना लेंगे. तो यहाँ पे तुम्हें सब कुछ मिलेगा मतलब, तो यहाँ बेचने वाले खड़े हैं फ्रूट्स वगैरह सब का सब, खाने पीने का सीन. अड्डी जी ये कौन सा फल है? ये रामफल है. तो भैया तो देखो रामफल कैसा होता है, मैं तो पहली बार देख रहा हूँ. कितने का अड्डी? तो जब तुम आते हो ना तो यहाँ पे बहुत तरह तरह के लोग तुम्हें देखने को मिलते हैं, बहुत अलग अलग जगह के लोग देखने को मिलते हैं. बहुत अच्छी है जनाब, अभी तक आपका. अरे आपकी स्माइल ही बड़ी प्यारी है. हमने खरीदी है 20 रुपए में पन्नी, ताकि यहाँ पे कपड़े रख सके और फिर वहाँ जाए नहाने. एक एक करके जाएंगे कहीं सामान गोल ना हो जाए. ये देखो तो भैया अगर आ रहे हो तो अपने कपड़े अपने साथ लेके जाओ यार, कपड़े गीले हो गए तो छोड़ के चले गए यहीं, और इतनी जगह और खा रहे हैं. चल तू जा पानी के अंदर, चल 1 2 3 गो. तो मैं भी नहा लेता हूँ, जो कपड़े चेंज करता हूँ. तो मैं तैयार हो चुका हूँ डुबकी लगाने के लिए, आ जाओ. ओ भाई भाई पानी ना बहुत ज्यादा ठंडा हो रहा, बहुत ज्यादा मेरे पैर सुनने लग गया.
पर है भाई, बहुत एक्सट्रीम ठंडा था। हाँ बहुत अच्छा लग रहा है। अब डन इट। नहाने के साथ साथ चेंजिंग रूम्स भी हैं, दिखाई दे रहे जो सिल्वर सिल्वर कलर के, ये चेंजिंग रूम है। तो हम तैयार हो चुके हैं वापस नहाने के बाद, बट इस पन्नी का क्या कर रहे हो, अब समझ में नहीं आ रहा यार, पन्नी को कहाँ फेंकना ये तो बताया नहीं उन्होंने। तो टाइम से हो रहा है 4:30, अब हम थोड़ा घूमते हैं, दिखाते हैं तुम्हें यहाँ का नज़ारा। प्लान है कि ऐसा कि जैसे थोड़ा घूम के आते हो, उधर से देख के आते हैं कि क्या क्या है। बाकी यहाँ से आप देख सकते हैं कि कितने सारे लोग हैं इधर। ये पन्नी फेंकनी थी, कहाँ फेंके? वहाँ रख दे, डस्टबिन नहीं है कहीं? तो भैया डस्टबिन की तलाश जा रही, डस्टबिन हमें मिल नहीं रहा है, ऐसा होना चाहिए आसपास कहीं होगा मेरे ख्याल से। अरे अब तो सड़क पे आ गए। चाय बन जाएगी, दो कुल्हड़ वाली कर दो। अभी करता हूँ बात चाय पीने के बाद, थोड़ा मार्केट एक्सप्लोर करेंगे, उसके बाद देखेंगे हम आरती। तो चाय पीते हैं उसके बाद करते हैं। बाजार इज फुल ऑफ आर्टिफिशियल ज्वेलरी शॉप, तो मतलब लड़कियों को तो बड़ा मजा आएगा यहाँ शॉपिंग करने में, और जो थोड़े मिड एज से जो ऊपर वाले लोग होते हैं ना उनको भी बड़ा मजा आएगा, क्योंकि ना मतलब पूजा पाठ का सामान बहुत सारा था, मतलब तो ऐसा पूरा बाजार था, बहुत ज़रा भरा हुआ एकदम। तो सनसेट हो रहा है, मतलब वहाँ पे सन दिखाई दे रहा है, होने वाला है थोड़ी देर में। तो दिस प्लेस इज प्रीटी अमेजिंग, मतलब बहुत अच्छा सा फील हो रहा है यहाँ पे खड़े होकर, इस टाइम सनसेट हो रहा है उस तरफ। एंड अभी हमारे पास थोड़ा सा टाइम है, 5:30 हो रहे हैं, तो 5:45 में बताया गया कि स्टार्ट हो जाती है आरती, तो हम थोड़ी देर यहाँ पे टाइम स्पेंड करेंगे अपना। एंड बहुत ही ज़्यादा सुंदर लग रहा है यार। तो हम निकल गए हैं आरती के लिए, बाकी सनसेट हो चुका है, अंधेरा हल्का फुल्का हो चुका है, तो देखते हैं अब आरती कैसे होती है। तो उधर सामने लोग, बहुत सारे लोग बैठे हुए दिखाई दे रहे हैं, तो मुझे लग रहा है कि शायद वहाँ पर होती होगी आरती, एंड वहाँ से देखने की हो चुकी है पूरी तैयारी लोगों की। तो आई जस्ट होप कि हम लेट ना हो, कहीं हमें दिखाई ना दे कुछ। उस तरफ से अच्छा दिखेगा कि इस तरफ से? उस तरफ से दिखेगा अच्छा, तो हमें क्रॉस करके जाना पड़ेगा उस तरफ। अंकल ने बताया जैसे कि वहाँ पे शायद उस तरफ से अच्छी दिखती है, वहाँ पे इतने सारे लोग गैदर हो चुके हैं ना, बहुत सारे लोग, अब पता नहीं वहाँ पे जगह मिलेगी भी नहीं मिलेगी। तो अभी हम रश भाग रहे हैं बस जल्दी से उस तरफ कि कुछ तो देखने को मिले। बहुत ही सुंदर पेंटिंग चल रही है, अभी काम जो चल रहा है शायद, तो जो बड़ा स्नान होता है शायद वो 14th February को है। मैं जल्दी आ गया हूँ, वैसे 14th January से कुंभ का मेला स्टार्ट हो चुका था, जो कि चलेगा 27th February तक। मैं लिस्ट डाल दूँगा स्क्रीन पे। तो इतने सारे लोग बैठ रखे हैं ना वहाँ पे। अभी हम उस साइड से उस साइड आ गए, आरती देखना है ना, जूते चप्पल। तो भैया जूते चप्पल यहाँ निकालने पड़ते हैं, तो जूते चप्पल यहाँ निकालने पड़ते हैं। मेन आरती यहीं पर होगा चांदी का पाल। इतने सारे लोग, जो भी श्रद्धालु भक्तगण पॉलिथिन का प्रयोग कर रहे हैं, हमारा उनसे विनम्र निवेदन है कि जाते समय पॉलिथिन उठाकर अपने साथ ले जाएं, दूर किसी स्थान पर कूड़ेदान में डालें, गंगा तट पर ना छोड़ें। मोक्षदायिनी जय मां गंगे, मोक्षदायिनी जय मां गंगे, पापनाशिनी जय मां गंगे, पापनाशिनी जय मां गंगे।
कटहरनी जय माँ गंगे मंगल करनी जय माँ गंगे हर हर गंगे जय माँ गंगे हर हर गंगे जय माँ गंगे हर हर शंकर जय शिव शंकर 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 पार्वती पति जय शिव शंकर पार्वती पति जय शिव शंकर हर हर शंकर जय शिव शंकर हर हर शंकर जय शिव शंकर अपने दोनों हाथ उठा लीजिए प्रेम और श्रद्धा से माता का एक साथ जयकारा I think they have started. तो ये थी हमारी आरती अब आरती खत्म हो चुकी है अब निकलते हैं वापस अपने सामान की स्वयं सुरक्षा करें तो सब अपने अपने घर की तरफ निकल रहे हैं अब क्योंकि आरती खत्म हो चुकी है और हम भी निकल रहे हैं अपनी गाड़ियों के पास जस्ट जो रिफ्लेक्शन पड़ रहा है ना वहाँ से और आज फुल मून है अगर तुम्हें दिखाई दे रहा होगा तो वो दिखाई दे रहा सामने मून दिस इज लुकिंग एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल तो ये थी हमारी गंगा जी की आरती हरिद्वार से आई होप यू गाइज एंजॉयड द वीडियो अगर पसंद आया होगा तो लाइक ज़रूर करें एंड लेट मी नो इन द कॉमेंट योर फेवरेट पार्ट तो आई एम एंडिंग दिस वीडियो राइट हियर आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो टिल देन टेक केयर